हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। हल्द्वानी शहर में लगातार कोरोना के संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन और जिला प्रशासन सख्ती दिखाता नजर आ रहा है, लेकिन हल्द्वानी शहर के लोग बिना किसी खौफ के, बिना मास्क के हल्द्वानी शहर में घूमते दिखाई दिए। लोग सिर्फ कैमरे के सामने मास्क पहनते नजर आए। हालांकि क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि डीजीपी ने लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कोरोना चल रहा है, आपने मास्क ही लगा रखा है? सॉरी, हाँ, मैंने अभी मास्क नहीं लगाया है, मेरी बहुत बड़ी गलती है। इतना भयंकर कोरोना पूरे उत्तराखंड में फैल चुका है, आप बिल्कुल लापरवाही भी। हाँ, हम आपकी गलती की वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ, आपको नहीं लगता है? लगता है, क्यों नहीं लगता है, अभी खरीद के मैं पहनती हूँ। आप लोग कोतवाली में आए हो, मास्क नहीं पहन रखा है आपने, मास्क के बिना यहाँ पर आए हो, मास्क नहीं पहना है आपने? मास्क लाना, मास्क नहीं पहना है, मास्क क्यों नहीं पहना तुमने? बिना मास्क लाना भूल गए, लाना भूल गया भाई। आप लोग बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं, बिना मास्क? बेटा तुमने मास्क नहीं पहन रखा, कोरोना का कहाँ चल रहा है, मास्क नहीं पहना है तुमने? सर ये अभी यहाँ पर रूम है आगे से, मैं वैसे ही बाहर आ गया था। इतना कोरोना चल रहा है, मास्क तुमको डर नहीं लग रहा है? सर मास्क का तो है ही है? तो मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? सर मास्क पहनते हैं, लगा रखा है, कोरोना चल रहा है, मास्क नहीं लगा रहे हैं आप? क्या क्यों नहीं लगाया था मास्क? मास्क लगा दिया सर। क्यों पहले क्यों नहीं लगाया था? कोरोना की तीसरी लहर चल रही, क्यों नहीं मास्क लगा रहे? डर लग रहा है आप? नहीं लग रही, लग रही। सर मास्क है मेरे पास, लेकिन मास्क भी नहीं लगा, मास्क है, मास्क है, मास्क है मेरे पास। अरे मैं क्या खाली बात भाली बात करने लगा, ऐसा लग तो लग रहा है, मुझे बताया, लग तो रहा है, मुझे बताया। कोरोना के सीजन मामले में बीजेपी का आदेश आ चुका है कि जितने भी लोग मास्क की तरफ से विरोध कर रहे हैं, कि क्या नैनीताल जिले के अंदर, हमारे शहर के अंदर लोगों को जागरूक किया जाए प्रशासन की तरफ से? देखिए, हमने ये दो दिन पहले से हमने एक अभियान चला दिया है ज़िले में, और मैं अगर अपने सर्किल की बात करूं तो हमारे चारों थाना अध्यक्ष जो हैं, सरकारी जो हमारी गाड़ियां हैं उनसे लगातार अनाउंस कर रहे हैं पब्लिक को जागरूक करने के लिए। फर्स्ट डे हमने अब से तीन दिन पहले जागरूक करने के लिए हमने अभियान चलाया था, जिससे लोगों में अवेयरनेस आ जाए, और उनको चेतावनी दी थी कि हम इसमें जल्द फिर कार्रवाई शुरू करेंगे। तो हमने जो है उसी क्रम में परसों से सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के चालान प्रारंभ कर दिए हैं, और कल भी हुए थे, आज से बहुत सख्ताई से हम लोग इसमें काम करेंगे, और किसी भी कंडीशन में अपने शहर को कोरोना के संक्रमण से बचाएं। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।